हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एक्सप्लेनर। आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा 5 पॉइंट्स। इन पॉइंट्स का क्या मतलब होता है और एग्जैक्ट ये कहां पे यूज होते हैं। तो पहला पॉइंट है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। दूसरा पॉइंट है SERP, SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या होता है। तीसरा पॉइंट है PPC, पे पर क्लिक क्या होता है। चौथा पॉइंट है SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होती है। पांचवा पॉइंट है CPC, कॉस्ट पर क्लिक क्या होता है। इन पांचों पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा आज आपको कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव एक्सप्लेनेशन वीडियो और भी लोगों को मिल सके और आपको भी फ्यूचर में इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो प्रैक्टिस होती है जिसके थ्रू हम लोग सर्च इंजन पे अपनी वेबसाइट को अपीयर कराते हैं टॉप लेवल पे। सर्च इंजन क्या होते हैं, जैसे गूगल हो गया, बींग हो गया, याहू हो गया। जब भी वहां पे कोई कस्टमर कुछ कीवर्ड टर्म सर्च करता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्च करूं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया, तो जो रिजल्ट अपीयर होंगे उस पेज पे टॉप टू बॉटम उसे बोलते हैं सर्च रिजल्ट्स। तो वो प्रैक्टिस होती है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन पे अपीयर कराते हैं टॉप लेवल पे। ये एक ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है, अनपेड होता है, और इसमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व होती हैं वो आर्टिकल सबमिशन, ब्लॉग पोस्टिंग, वीडियो सबमिशन, इन सारी रेगुलर प्रैक्टिसेस के थ्रू हम लोग ऑप्टिमाइजेशन इंक्रीज करते हैं। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है SERP क्या होता है, SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन का रिजल्ट पेज क्या होता है, जैसे ही हम लोग लैपटॉप में, मोबाइल में अपना गूगल सर्च गूगल ओपन करते हैं, तो गूगल पे जो हमें फ्रंट पेज दिखता है उस पर हम जब भी कुछ टर्म सर्च करते हैं तो उसका जो रिजल्ट हमें शो होता है वो उस पेज को हम लोग बोलते हैं SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। इस पे हम लोग जब भी कोई टर्म सर्च करते हैं तो जो हमें वो रिजल्ट शो होता है वो बहुत रिलेवेंट और हेल्पफुल होता है हमारे लिए, क्योंकि सर्च इंजन हमें वही रिजल्ट शो करता है जो सबसे रिलेवेंट होगा, जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा हमारे लिए। तो चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पेपर क्लिक क्या होता है। पेपर क्लिक एक डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का प्रोसेस है जिसके थ्रू एडवर्टाइजर हर बार पे करता है जब भी उसके क्लिक पे कोई यूजर क्लिक करता है। अब वो कितना अमाउंट क्लिक पे करता है वो अभी मैं आपको आगे बताता हूं। इसके रिजल्ट या फिर एड्स हमें कहाँ पे शो होते हैं, जब भी हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो टॉप और जो बॉटम में एड्स होते हैं ये बहुत मोस्ट कॉमन एड्स होते हैं जो हमें शो होते हैं, उसको पेपर क्लिक एड्स बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, सर्च इंजन मार्केटिंग वो होती है जिसके थ्रू हम लोग सर्च इंजन पे अपनी वेबसाइट को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज कराते हैं। तो जब भी हम लोग सर्च इंजन पे कुछ सर्च करने जाते हैं तो हमें टॉप और बॉटम में, रिजल्ट पेज पे टॉप और बॉटम में कुछ एड्स दिखते हैं, उसको सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू शो ऑफ करा जाता है। तो चलिए फाइनल पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, CPC क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक क्या होता है और कितना होता है। कॉस्ट पर क्लिक वो अमाउंट होता है जो एडवर्टाइजर मीडिया ओनर को हर बार पे करता है जब भी उसके एड के ऊपर क्लिक करते हैं कोई यूजर, उसका जो एड शो हो रहा होता है उस पे जब क्लिक आते हैं तो वो जितना अमाउंट पे करता है उसे कॉस्ट पर क्लिक कहते हैं। उसे कैलकुलेट कैसे करा जाता है कि पूरे दिन में हमारा कितना अमाउंट एडवर्टाइजमेंट में लगा डिवाइड बाय कितने क्लिक्स उसके ऊपर हुए, तो जो आंसर और जो रिजल्ट निकल के आता है वो पर क्लिक की वैल्यू होती है। आई थिंक दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, समझ में आई होगी। तो जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स, शेयर सब करिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको रेगुलर इन फ्यूचर मिलती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।